हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इजी मिठाई बनाना सीखेंगे, एक रेसिपी से थ्री वैरायटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होममेड छेना एंड पाउडर्ड शुगर। बट ध्यान रहे, इस स्टेप को करने के पहले आपके हैंड्स बहुत ही ज़्यादा क्लीन होने चाहिए। पहले हम छेना को सिर्फ हाथों से अच्छे से मैश करेंगे। अभी इसमें चीनी नहीं मिलाना है। पहले 2-3 मिनट तक सिर्फ अपने पाम के प्रेशर से इसे अच्छे से मैश करना है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम इसमें करीबन 4 टेबलस्पून पाउडर शुगर ऐड करेंगे, फिर इसे मिक्स करेंगे। 2 मिनट्स मिक्स करने के बाद आप देखेंगे ऐसा सॉफ्ट एंड मॉइस्ट मिक्सचर बन जाएगा। आप चाहे तो टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच शुगर और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने। मिक्सचर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। सबसे पहले हम चोको संदेश बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए डार्क कोको पाउडर, चोको चिप्स एंड कैंडीज या जेम्स। अब सबसे पहले हमें इसमें करीबन 1 छोटा चम्मच कोको पाउडर ऐड करना है, फिर चोको चिप्स एंड चाहे तो आप क्रश जेम्स भी डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें 1/2 चम्मच और ऐड कर सकते हैं डार्क कलर के लिए, बट ध्यान रहे ज़्यादा ऐड ना करें वरना वो कड़वा हो जाएगा। तो अब मेरा सॉफ्ट डो रेडी है। अब आपको इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में। एंड बीच में सेंटर में आपको एक कैविटी बना देनी है, जहाँ हम अपना जेम्स को या कैंडीज जो भी आपके पास है वो लगाएंगे फॉर डेकोरेशन। सेम तरीके से हम बाकी बॉल्स को रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो ऊपर चॉको चिप से भी डेकोर कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हो गया हमारा चॉको संदेश रेडी। अब हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी रोज फ्लेवर। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी क्रश, लगभग 1.5 छोटा चम्मच। अब मेरे पास कुछ ड्राइड रोज पेटल्स थे, जिसको मैंने डिप कर दिया है रोज वाटर में, वो यहाँ पे ऐड होगा। आप चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब इनको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके भी स्मॉल स्मॉल पोर्शंस हम स्पून से अपने हाथों में लेंगे एंड इसको राउंड शेप की तरह बनाकर प्लेट में रखेंगे। ध्यान रखिए, ये मिक्सचर जो है बहुत ही सॉफ्ट एंड मॉइस्ट है, स्टिकी है, इसीलिए हमें इसे बहुत ही हल्के हाथों से बनाना है। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं सेट होने। इसी तरीके से हम बाकी सारा भी रेडी कर लेंगे। अब इसको डेकोरेट करने के लिए क्रश को हम ऊपर लगाएंगे 1-2 ड्रॉप एंड उसके ऊपर हम रोज़ पेटल्स लगाएंगे, तो ये देखने में और भी सुंदर लगेंगे। तो हो गया हमारा स्ट्रॉबेरी रोज़ रेडी। अब हम बनाएंगे केसर संदेश। इसके लिए हमें चाहिएगा चॉप पिस्ताचियन आलमंड्स, सैफ्रन मिल्क एंड रोज़ वाटर। केसर को पहले से दूध में भिगोया हुआ था, वो दूध हम इसमें ऐड करेंगे एंड आप चाहे तो केसर को भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे कुछ करीबन 1 चम्मच गुलाब जल, उससे अच्छा टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा। एंड लास्टली हमारे पिस्ताचियोज एंड आलमंड्स। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको भी सेम तरीके से स्पून के मदद से छोटे छोटे पोर्शंस हाथ में लेंगे एंड बॉल्स बनाते हुए प्लेट में रखते जाएंगे। यह मिक्सचर भी थोड़ा सॉफ्ट एंड स्टिकी रहेगा, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, हल्के हाथों से करते जाना है। अब इन सबको हम कटे हुए पिस्ताचियोस एंड हमारे सैफ्रन मिल्क से ऊपर सजा देंगे, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। जैसे खाने में अच्छा, वैसे देखने में भी सुंदर। हो गया रेडी ये भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।